Assalamualaikum. शादियों पे डिजाइनर जोड़े पहनने का शौक तो सबको होता है, लेकिन आजकल के इस महंगाई के दौर के अंदर ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। आज मैं मौजूद हूँ कनारी बाजार लाहौर में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप कम पैसों के अंदर अपनी मर्जी का जोड़ा बनवा सकते हैं। शादी के कपड़ों के अलावा भी मुझे यहाँ पे वैरायटी नजर आई है, जैसे ये दुपट्टा है, ये शिफॉन का दुपट्टा है, इसके ऊपर मुकेश का काम हुआ हुआ है। तो बेसिकली हमें ईद की शॉपिंग करनी है, तो हमें पता है हमें कहाँ है, यहाँ से ईद के कपड़े मिल जाते हैं। कैजुअल पहनने के लिए होती है, इसमें मतलब ये है कि जो दुल्हन की बहनें वगैरह हो, कजन्स हों। तो आजकल कस्टमर मांग क्या रहा है? कस्टमर मुख्तलिफ आते हैं, यहाँ पे कस्टमर कहता है जी हमें एक इस तरह के भी कस्टमर आते हैं, हमें बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं होता, बिल्कुल गोल्डन काम हो, बिल्कुल ऐसे हो। कई आते हैं, वो कहते हैं जी इसमें रेशम ही रेशम हो, मतलब 70-80% रेशम हो, ऐसे भी आते हैं, मतलब कस्टमर का कोई पता नहीं। अच्छा, तो बेसिकली जो ज्यादा काम होता है वो सर के ऊपर आते हैं, जिसको माथा पट्टी बोलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल जो ज्यादा होता है ना वो माथा पट्टी पे आ जाता है, बाकी जो है थोड़ा सा उसके बाद फिर इसमें पूरी में स्प्रे किया होता है। बड़ों के साथ साथ यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं, शादी के ऊपर जो बच्चे कपड़े पहनते हैं वो भी बनते हैं। जैसे आप ये देखें, ये मेरे ख्याल से किसी 3 साल की बच्ची का सूट। यहाँ पे बच्चे बूढ़े हर एज के लोग आए हैं, हर एज के लोगों के लिए कपड़े मिलेंगे। जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो फाइनली मुझे मिल गई है, यहाँ पे डिजाइनिंग होती है कपड़ों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये पहला प्रोसेस है जिन्हें मैंने, अब मुझे कपड़े बनवाने हैं और मैं गई हूँ किसी दुकानदार के पास और मैं उसको फोटो दिखा दिया, तो पहला प्रोसेस यही है। अच्छा, तो सारे किनारी बाजार में जितने भी दुकानदार बैठे हैं वो काम तो आपसे ही करवा रहे हैं, सब आपसे डिजाइन करवाते हैं, तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे, आप कितने वक्त से काम कर रहे हैं? किनारी बाजार में तो मैं 30 साल से हूँ, मगर ये काम मैं 10 साल से कर रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, कुछ समझाना पड़ेगा। ये ब्लैक ब्लैक कुशन देख रहे हैं आप, काले वाले, ये है इसका कोट गाउन। ये सेंटर की जगह जो खाली है, नीचे वाला अपर आएगा, कमीज आएगी नीचे वाली। फन पार्ट तो ये है, यहाँ पे शॉपिंग के साथ साथ खाना भी मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रीट फूड की बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो बेसिकली आप शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं, कोई दुल्हन आई है थक गई है, यहाँ से खाना भी खा सकते हैं, सस्ते में कपड़े बनवा सकते हैं अपनी मर्जी के। इस टाइम में जिस जगह पे मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ पे ये सारा काम होता है, ये कारखाना है जहाँ पे ये सारे कारीगर काम कर रहे हैं। अभी हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इस काम को क्या बोलते हैं? आरी का काम कहते हैं। आरी का काम कहते हैं। तो ये आप क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा धागा है? ये रेशम है। हाँ जी, तो रेशम क्यों? और तिल्ला भी हो जाता है। अच्छा, और चीज भी होती है, वो ग्राहक की मर्जी है, जो ग्राहक ने मांगा। हाँ, जो मांगा वो ही हमने करना होता है। ये एक सेहरा है, सेहरा जो मजार के चौखट पे लगाया जाता है, धागा डाल के एक ये उठाना है, एक इसके साथ ये उठाना है, कट जाना, ये दोनों को उठा के इनको बस अपनी पोजीशन में रखना है कि इसकी जो अरेंज है उसके अंदर रहे। ये मजार की चादर बन रही है इस टाइम पे, और मोस्टली मजारों की चादरें वेलवेट की ही होती हैं, इसलिए ग्रीन रंग की मजार की चादर है। इनको काम करते हुए यहाँ पे 30 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो आजकल मोस्टली लोग ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, हर किसी को ब्रांड चाहिए, तो आप लोगों के काम को कितना फर्क पड़ा, कितना नुकसान हुआ है उससे? काफ़ी नुकसान हुआ है, तो कारीगरों काम छोड़ गए हैं, कोई मुख्तलिफ बुटीकों में बैठ गया है, तो जो शहर में ये काम होता था ना तो वो जरा कम हो गया है। यहाँ पर डाई की भी दुकान है जहाँ पे कपड़े डाए होते हैं, ना सिर्फ कपड़े बल्कि लेस मोती सब कुछ डाए होता है, तो इसलिए इस दुकान पे चलते हैं। अच्छा, तो गर्मियाँ आ गई हैं जैसे, तो गर्मी में कौन सा रंग लेना है, कौन सा रंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग? गर्मी में होता है ऑफ वाइट, पिस्ता, स्किन वगैरह ज़्यादा लाइट कलर, लाइट ज़्यादा। ये जितना भी कपड़ा तैयार होता है ना, ज़्यादातर तो ये इस्तेमाल करते नहीं धोने के लिए ना, एक बार इस्तेमाल किया आधा घंटा तो इस्तेमाल होना है, तो साइड पर। आज मैंने आपको बताया कि आप कम बजट में शादी कपड़े कहाँ से खरीद सकते हैं, इसके पीछे कारीगरों की कितनी मेहनत शामिल है। मैं आपको लेकर गई अड्डे पर और दिखाया कि काम होता किस तरह से है। उम्मीद है आप आज के एपिसोड से फ़ायदा उठाएंगे। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।